देखिए ये जो सोल्स वाला मामला है ना आत्मा वाला मामला आ, बड़े इजीली हम लोग बोलते थे मोक्ष और सेल्वेशन ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है सेल्वेशन जिनको मिल जाता होगा जितना मैंने पढ़ा समझा है जिनको मिल जाता होगा वो तो ठीक है जिनको नहीं मिलता है वो बहुत सारे वर्ल्ड्स में अलग अलग तरीके से भटकते रहते हैं और आपके लाइफ की अपनी परेशानियाँ होंगी मेरी लाइफ की अपनी परेशानियाँ रही हैं एक बहुत अच्छे बचपन के बाद अभी 2014 में सुसाइड तक जाना पड़ा है और वहाँ से फिर अब मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था काश बचपन लौट आया लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है मेरा बचपन अच्छा नहीं था मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था फॉर एक्स वाई ही रीजन्स सोल्स जो ट्रैवल कर रहा है वो हम अपने कर्मों की वजह से ही सेलवेशन को या तो नहीं पाते हैं या तो देर से पाते हैं जी सोल्स की एक एज है जैसे आपके और मेरे बॉडी का एक एज है वैसे सोल्स का फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपके मेरे समझने के लिए आप मान लीजिए कि सोल की उम्र एक हज़ार साल है हुँ. मान लेते हैं एक आत्मा है जिसकी उम्र है एक हज़ार साल है अब वो या तो बीस बार पचास पचास साल के बॉडीज बदले या दस बार सौ सौ साल के बॉडीज बदले मगर ऐसा होता नहीं कई बार एक बच्चे में आत्मा जाती है और वो पेट में ही मर जाता है या भ्रूण हत्या कर दी जाए जैसे भी कोई खेलते हुए मर जाता है कोई किसी कारण से कोई बुजुर्ग हो के मरता है कोई जवानी में मर जाता है तो हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि उस एक हज़ार साल का जो सोल का स्पैन है वो कितने लाइफ टाइम्स में कवर हुआ hmm. और वो उतने सारे लाइफ टाइम्स में उसको क्या क्या देखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि एक, एक उम्र दराज आदमी होता है साठ सत्तर साल का लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही बचपने वाली होती गलत सेंस में नहीं hmm. वो या तो अपनी उम्र के हिसाब से वो जो जोक कर रहा है वो बड़ी बड़ा बचकाना से जोक है या उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि यार थोड़ा मतलब यू नो डिसिए आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हर बात में गाली देते हैं वो बड़े हो गए हैं पर और एट सेम टाइम आप स्कूल कॉलेज में ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बड़े स्थिर हैं वेरी काम पीपल इट इज नॉट बिकॉज उनकी परवरिश कैसे हुई क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के फादर से आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ज्यादा समझदार है पिताजी से hmm. तो वो जो फादर का जो सोल है ना वो उनका ये बेटा बना इस बार लेकिन अगर आप फादर के सोल और बेटे के सोल को कंपेयर करेंगे तो सोल की उम्र होगी सिक्स हंड्रेड ईयर्स और फादर की एज हो सोल की एज होगी कहीं थ्री हंड्रेड ईयर्स तो कुल मिला के सन इज एल्डर देन दी फादर एट द एज ऑफ सोल अब ये वाप, ये क्यों मिले हैं ये अगली बार फिर मिलेंगे क्योंकि उसी को शायद कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं hmm. कि इस जिंदगी में मिले हैं फिर अगले जीवन में ये कुछ और होगा कोई कुछ और होगा hmm. लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से देर देर रोड्स देर पाथ्स विल क्रॉस